हाँ जी, तो कैसे हो भाई सारे? होप करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो भाई सीन कुछ ऐसा है, मैं हूँ इस समय अगवानपुर, गांव है और जिला है मेरठ और उत्तर प्रदेश। तो भाई अपना सडनली प्लान मन बन गया था, अभी मैं गया था ना वैष्णो देवी, तो अचानक प्लान बन गया, मैं गांव हो गया हूँ एक बार, क्योंकि छुट्टी बची थी अपनी 2 दिन की। बस मैंने कहा जो मौज लेके आनी है अभी लेके आ जाओ बस, और हमारे साथ कौन कौन है एक बार दिखाता हूँ भाई मैं, हम अकेले तो नहीं है। यू तो है भैया जस्टिस, और यू है सुमित। अरे भैया विक्की हमारा भाई। तो भैया सीन कुछ ऐसा है, हम जा रहे हैं इस समय किले, बोले तो परिशिक्षित गढ़, वहां मिलती है बिरयानी, नॉन वेज वाली नहीं वेज वाली मिलती है, तो वो खाते एक बार। सानो भाई हमारे गांव का रॉकेट तुम्हारे गांव का रॉकेट है ये? चलो भाई चलो चलो सानो भाई, भाई वहाँ बिरयानी खाते हैं एक बार, बताएंगे रॉकेट टेस्ट कैसा लग सानो रहा है। भाई देखो क्या रॉकेट रॉकेट? अबे रॉकेट देखो, यहाँ का देखो भाई कैसे बनाया रॉकेट, देखो ये भाई। ऐसे अरे तीरी है इसकी आँख, ये तो सही उड़ गया। ये गांव का रॉकेट है। भाई एक बार दिखाना पड़ेगा दोबारे से बनाया कैसे एक बार। जिसमें न्यूटन का पांचवा नियम हाँ लगता देखो है भाई, देखो। अरे तेरी सही बनाया भाई साहब, बढ़िया एकदम भरपूरा। चलो चलते हैं भाई एक बार। भाई बाग में बैठे हुए थे और जूते का सीन तो ऐसे ही होता है, तो कुछ भी खराब नहीं हुए तो। हाँ अभी तो नए है। अभी तो नए हैं यहाँ के मुकाबले, अभी तो ये गंदे होंगे। अरे एक बार आसपास की लोकेशन का व्यू देख ले एक बार। अरे ये तो है हमारा रॉकेट। बेटे पेड़ पेड़ उगा दिया, अरे वो नहीं गया नीचे को गया। अरे दोनों वो अभी हो गया कवर, ये अभी हो गया। आगे दिखाओ चल चल जब ऊपर लग जाओगे। अरे तेरी काक, ये वाले तो उग रहे हैं भाई गेहूं, और ये हो रही है सरसों, और हमारा मुन्ना यहाँ खड़ा है। चलो चलते हैं ठीक है। सागम भाई और यह आ गई अपनी बिरयानी वेज वाली, वो कैसी लग रही है? बढ़िया लग रही है एकदम, एक नंबर। जीरो नंबर, जीरो नंबर, जो कौन सा नंबर है भाई? बढ़िया है, अभी खा के देखते हैं। एक नंबर लग रही है एकदम। और ये जंगल सा है, जंगल में को जाना है भैया, मुंह बचा के अपने अपने। ओए ये कहाँ को जा रहे हैं? ओए लोमड़ी लोमड़ी, हाँ लोकेशन बढ़िया एकदम। और यह चल रही है नहर, एक बार पास से दिखाता हूँ, एक बार देख लो यहाँ से तो कुछ भी नहीं दिख रहा। मजा है तो यहाँ लग रहा है बढ़िया, यहाँ आवाज सी भी आ रही है पानी की सी। ओ भाई सर देखिए डुबकी से मारने का मन कर रहा है इसमें तो। ओए बोल्ट देखिए कितने, ये मेरा हाथ है बोल्ट ये रहा, इतना बड़ा बोल्ट भाई साहब है, उसमें डुबकी मारने का मन कर रहा है पूरा, डुबकी मारने का मन कर रहा है पूरे इसमें। हाँ अरे मैं कर डुबके दे, डुबकी हो जाएगी। हाँ डुबकी हो जाएगी। हाँ ऐसा जैसे गोला डाले भंडारा आ रहा, भंडारा एक हाथ पकड़ ले गए, अभी किसी गाड़ी वाले ने उड़ा लिए थे चने बहुत सारे, तो ये सारे के सारे उसी में लगे हुए हैं। इसने तो पोटी साफ भी नहीं की थी, इस वाले ने किन्ने पोटी साफ नहीं की थी करीब इनने भाई। वो बिरयानी थी एक नंबर, नहर के बढ़िया बढ़िया नज़ारे देख के अब निकल चुके हैं। भद्रकाली मंदिर है गांव में, थोड़ा दूर पड़ता है 10-15 किलोमीटर, वहाँ जा रहे हो। वैसे ठंड है, ठंड है बहुत कैडी हो रखी है, नहीं आ तो हमारे बोलने के तरीके से मालूम हो रहा होगा भाई, तो ना गम्बू सब जमा पड़ा भाई साहब एक नंबर। ये तो उगरे आलू,
और यह ऊपरी सरसों, सरसों तो पता ही है पीली पीली, और जब पीछे देखा था वो थे आलू। अभी देख रहे हो सारे आलू हुए पड़े, ये रे ये रहे ये आलू। अभी किसी गांव में एंटर कर रहे हैं, गांव का नाम तो भाई मुझे को पता ना कौन सा गांव का है, कौन सा है गांव, पुट्ठी पीपाऊ की मात्रा पुट्ठी। पपीते हैं, सीताफल है भाई, ये देखो ये उगने पपीते। अभी अभी हरे हैं पर पीले पीले होंगे। चलो चलो बैठो भैया बाइक बैठो, सफर काफी लंबा है, शाम हो जाएगी पहुंचने में, आ जाओ। चलो जी चलो भाई, चलो भाई चलो चलो भाई चलो। लोग काम कर रहे थे सर्दियों में, भाई इनकी भी हिम्मत है। भाइयों अनफॉर्चुनेटली बोला भी नहीं जा रहा, अचानक ही अपना प्लान चेंज हो गया है, हम भद्रकाली नहीं गंगा जी जा रहे हैं। और अभी तक का रास्ता चल रहा है कुछ इस तरह खड़ंजों वाला, खड़ा 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 खड़ा, सामने गंगा जी आ गई मेरे हिसाब से है। रास्ता यहाँ से भी, रास्ता यहाँ से भी है, इधर कुछ चलेंगे भैया। अरे 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 ये शाबाश, गंगा जी किनारे वाले ठंड बहुत लगती है, दूर तो जमा पड़ा एकदम खड़ा करके। सामने एक बार देखो गंगा जी तो गिर रही, ओए ये टायर रपटते हुए। डाकू मंगल सिंह यहाँ लिखा है जीवन साथी हमारे साथ में रहना। और गंगा जी का व्यू भाई देखो कुछ इस तरह आ रहा है, ओए ये रास्ता क्रॉस करवाते हैं लोग इस तरह से, ट्रक गन्ने के ट्रक भी उतर जाए। अच्छा उस सामने देखो झोपड़ी कितनी प्यारी लग रही है, एक अकेली झोपड़ी बनी हुई बस ये, इसके उधर भी गंगा जी है पल्ले। लेकिन रास्ता रात काटते कैसे होंगे भैया हाँ? हेलो भैया जी, रात कैसे काटते होंगे यार ये रात, रात ऐसा कटता है ऐसे, रात काटने के लिए यहाँ ठंड बहुत लगती है यहाँ तो है ना। यहाँ नाव पहले ली जा रही है फोटो, फोटोग्राफर विक्की उड़ते हुए, ये भाई तेरे पोजीशन चील की तरह उड़ते हुए, अरे होता है चील की तरह। और मैं फोटो कहाँ पे, तुम रुको भाई यार ठंड लग रही है, उखड़ उखड़ बैठ के भी ना गर्मा गर्मा सी नहीं आ रही एक बार को भी। ओ ये कहाँ वाला है ये, मेरा तुम तार पे खेद दो, तार पे लटक दो मार इसके क्या करेगा ना दिखा, अरे खेच के दिखा है साले, तेरा फोटो खेच के मैं इस पे लटकूंगा। हां हाथ से पकड़ के है लटक जाओ इस पे, झाड़े कितने के मिलेंगे भैया हिल गई ये तार भाई साहब, वहां बना पड़ा पूरा खेचो तो एक। और यहाँ मिले हमें बेर का पेड़ छोटा वाला, देखो ये रे अरे तुम रख के बेर है, यहाँ बेर है पर अभी हरे हरे हैं भाई, ये तो घोंसला किसी का नहीं, कौन सा यार अरे तेरी भाई साहब चिड़िया आ गई इसके अंदर अब है, पर है के कहां है दिख तो नहीं, हां यरी 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 जूम करो, अरे दिख गए, चलो परेशान ना करो भैया, परेशान करने में कोई फायदा नहीं, परेशान करने में कोई फायदा नहीं, छोड़ छोड़ चलो भी चलो। जूम वगैरह करूं नहीं निकल, भाई देखो इसलिए आता मैं तो पूरा एडवेंचर हो जाता एक बारी में,
अपना लगता है कि कहीं बाहर आए हुए हैं। और देखो ये साइड की मिट्टी है ना, देखो पैर रखते ही ना तू मचा कॉपीराइट आ जाएगा। पैर मारती ना, देखिए एक बार ही मट्टी उड़ती है।